हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। काइंडली जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जी, आज जो हमारा व्लॉग है वो कुछ गलत काम से ही हुआ है, और वो ये था कि फजर मैडम किचन से लेके आई थी डब्बा जिसमें मेरा पड़ा हुआ था मीठा सोडा, और उसने मैं तब सोई हुई थी, मुझे इतना पता नहीं था। और मुझे ये था कि मैंने सारे के सारे कमरों की कुंडियाँ लगा दी हैं और ये बस बरामदे में ही खेलेगी, तो किचन की जो थी वो कुंडी नहीं लगी थी। तो फजर ने वो ला के सारा डब्बा जो था वो ख़राब कर दिया, उसमें थे मीठा सोडा जो था वो गिरा दिया। तो फिर मैं उसको फौरन से जी लेके गई अपना वॉशरूम, वहाँ पे जाके उसको सारा नहलाया और उसके कपड़े चेंज करवाए। और ये जी कुछ पीसेस जो हैं वो लेके आए हैं पुप्पो, हमारी एक अदद छोटी सी एक और बेटी है जो कि जल्दी ही आ जाएगी हमारे पास, उसका नाम है ज़ारा फातिमा। तो उसके लिए पुप्पो ने ड्रेसेस सिलवाने हैं, कुछ पे कढ़ाई करनी है, कुछ पे कुछ करना है, कुछ करना, बहुत कुछ करेंगी। जो जो करेंगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी उसके लिए लेके आई थी, तो वो मैंने वहाँ पे आपको दिखाए। और आज हम बनाना थे जी चने, और चने बनाते बनाते जी मेरे को कप डिग्गा तक टूट गया। मेरे से तकरीबन तकरीबन इस जो सर्दियों के सीज़न में है, मेरे से तकरीबन 4-5 कप जो हैं वो टूटे हैं। कप तो नहीं टूटते, कप की डंडी टूट जाती है। तो है मैंने फिर फौरन से जी अपना जितना भी मैंने चने बनाने थे उनका भी साथ साथ मैं सेटअप तो नहीं है, उनकी तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर मैंने जो प्रेशर कुकर है उसको अच्छे से जो मिट्टी का लेप होता है वो लगा लिया था, क्योंकि आज हम चूल्हे पे नहीं, हम बाहर चूल्हे के ऊपर हांडी बना रहे हैं। और आज हम थोड़ी सी चूल्हे की बचत करेंगे, क्योंकि बजट आउट हो जाता है जो कि हमारा सिलेंडर मंथ में तकरीबन 2 दफ़ा हम बनवाते हैं। तो इसलिए बाहर थोड़ी थोड़ी हम कर रहे हैं कि हम बाहर आग जला लें, शाम की हंडिया बाहर बना लें, ताकि जो हमारा चूल्हा है वो लंबे अरसे तक जा सके। और ये हमारे गोए हमने जो चलानी में रखे हुए हैं, चलानी अब कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, तो एक छोटा सा किचन होता है जो कि पुराने ज़मानों में लोग उसको चलानी कहते थे, हम भी अभी भी कहते हैं। तो वहाँ पे हम रोटियाँ वगैरह तो नहीं बनाते, जितना हमारा इधर उधर पुराना सामान होता है या गोए वगैरह डेरे से आते हैं वो हमने रखे होते हैं। और वहाँ से मैंने गोए उठाए, फातिमा से बोला कि ऊपर से छत से मुझे लकड़ियाँ ला दो, और लकड़ियाँ ला के दे रही थी और मैं आग जलाने लगी। और आग जलाने से मुझे, आग से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, और वो यादों में से एक छोटी सी एक याद वो है कि जब मेरी शादी हुई थी आज से तकरीबन 12-13 साल पहले, तो मेरे मायके में जी गैस थी। और पहले जब मैं छोटी थी तब वहाँ पे गैस नहीं थी, तकरीबन मैं 7वीं 8वीं में पढ़ती थी तब गैस नहीं थी, तब अम्मी लोग ही चूल्हे पे आग जला के तो वहाँ पे रोटियाँ हंडियाँ सारा कुछ करती थी। बाद में जब मेरा टाइम आया हांडी वगैरह बनाने का तब गैस आ चुकी थी, और जब मेरी शादी हुई तो मैं गैस नू छड़ के ते आके चूल्हे आ गई सा। तो हैं जी चूल्हे पे जब आए तो यहाँ पर मेरी अल्लाह पाक नानों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जब मैं शुरू शुरू में शादी के बाद काम करना स्टार्ट हुई तो मुझे आग जलाना नहीं आता था, मैं बहुत अजीब सी आग जलाती थी, तो नानी को मैं गाला पेंदियाँ होंदिया सन तो ये तो जट्टा दी है कि जलाए आंदी। तो है जी ये यादें जो हैं ये इस टाइम पे या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आते हैं कि जब वो काम हमारे साथ होता है। तो अब तो माशाल्लाह मैं बहुत प्रोफेशनल हो चुकी हूँ आग जलाने में। तो है यहाँ पर जी साथ साथ हमने चने देखे कि वो गले हैं कि नहीं, तो थोड़ी सी कसर थी तो मैंने फिर से प्रेशर चढ़ा दिया। और प्रेशर को मट्टी जी इसलिए लगाते हैं क्योंकि बाहर से अगर काला हो तो ज़्यादा मांझना कूचना हमें ना पड़े, आसानी से साफ़ हो जाए। और दूसरी साइड पे मैं अंदर चावल रखे हुए थे क्योंकि अभी हंडिया नहीं थी बाहर हुई, और अगर हंडिया पक जाती जल्दी से तो मैं चावल भी बाहर बनाने थे, बहरहाल लेट हो जाना था काम। तो जी बारिश, और बारिश में हंडिया बनाना यकीन जाने बड़ी एक अजीब सी मज़े की फील आती थी। थोड़ी थोड़ी बारिश ऊपर गिर रही थी और मैं हंडिया बना रही थी, और मेरे पुत्र ने इतने लग गई हुई सी भुख, तो मामा भूख लगी है, तो मैंने कहा पुत्र आले तो कुछ नहीं, बस चने गले हुए नहीं तो वो खा ले। तो उसने बोला मामा वो निकाल दें, तो मैंने उसको वो निकाल के दिए। और मौसम काफ़ी मज़े का है यकीन जाने, मैंने कल वाले व्लॉग में भी कहा है कि मौसम काफ़ी अच्छा है, बहरहाल जी फसलों के लिए ये मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है,
kindly जो जो मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मौसम अच्छा अच्छा रखे ताकि जितने भी साल भर की हमने गंदम सेव करनी है वो हम कर लें। तो है यहाँ पर जी बच्चों को हमने जो है वो अली को मैंने चने निकाल के दिए और बाद में मैंने इनमें डाल नमक थी मिर्च नमक डाल मिर्च। के उनकी मैंने अच्छे से बुनाई कर ली और मेरे ख्याल में मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा ही है बोलने में क्योंकि अभी अली को मैंने चने निकाल के देने हैं और वो अंदर से डिश लेने गया तो फिर है वही सेम रिपीट बातें कि मैंने उसको चने निकाल के दिए उसने खाए। और खाने के साथ साथ माशाल्लाह पुत्र जी ने मेरे ने दिस चने के डायसन ते शापर पाग बाहर जाके गलिए दोस्तों के नाल मिलजुल के खा दे क्योंकि मिलजुल के खाने में जी बरकत होती है। तो खैर हमने फिर बाद में जो है जब बुने हुए चने निकले तो हम सारी फैमिली ने वो खाए और ये बुजुर्गों की कहावत है या बुजुर्ग कहते होते थे मेरी नानी अम्मा भी कहते थे कि हांडी बजुमनी कर छोड़ दो भाई तुसी इंज क्यों कर दे हो क्यों हांडिया में से पहले ही सालन या फिर चने या फिर गोश्त नमकीन जो होता है जो के नमकीन जब गल जाता है तो वो निकाल के हम खाते हैं ना। तो बुजुर्ग कहते थे कि हांडी नू बजुमनिया कर छड़े हांडी अज बरकत नहीं देंदी। वल्ला अब ये बात सही है जाहिर है अगर बुजुर्गों ने की है तो सही है। तो अली का यहाँ पर हाथ जल रहा था तो मेरे पुत्र ने शापरे जाके चने पाल। तो खैर मौसम साथ साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम मौसम चल रहा है और अक्सर मेरा बोलते बोलते बहुत ज़बान लड़खड़ा जाती है जी उर्दू के लफ्ज़ जो हैं मेरे से बटक बुटक जाते हैं जो कि सही से मेरे से अल्फाज के साथ तलफ़ुज़ के साथ अदा भी नहीं होते। तो यहाँ पर मैं अपना सारा नमक मिर्च जो कि हसबे ज़रूरत हम घर में जितना भी नमक वेखिया फिर नमक मिर्च खाते हैं उतना उतना मैं डाल रही थी ऑयल डाला और यहाँ पर इसकी अच्छे से मैं बुनाई कर लूँगी। और आज मैंने एक काम किया और वो काम ये था कि मैंने काफ़ी एक पहले भी व्लॉग में आपको बताया था कि जब हम छोटे होते थे तो तब अम्मी ने जब चने बनाने होते थे तो हमने अंदर से निकाल के तो हमने जामुन का पत्ता लेके तो उससे हम चने खाते थे और बड़ा ही मज़ा कोई आता था यकीन करो। तब हमने जामुनों के ऊपर या फिर किसी वो जो तरेक का बूटा होता है या पौधा होता है उसके ऊपर पींग डली होती थी उसके ऊपर बैठ के खाना और साथ साथ झूले लेना साथ साथ वो खाना तो बड़ा ही मज़ा आता था। या फिर आम के दरख्त पर हमने झूला लगाया होता था रस्सी के साथ तो तब हम खाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। और आज मैंने काम किया कि मुझे जामुनों का पत्ता तो नहीं मिला हमारे घर में जो पौधा लगा हुआ है उसी पौधे से मैंने एक बोला अपने बेटे को कि पुत्र मुनु एक पत्ता तोड़ के ले आ दे ताकि मैं चने खा के वही पुरानी वाली फीलिंग जड़ी है वो ले सका। तो खैर मेरे बेटे ने तोड़ के ला दिया और मैं वैसे ही खाते हुए पर नहीं वैसा मज़ा नहीं आया जो कि जामुनों के पत्ते के साथ आता है क्योंकि उसमें से थोड़ी थोड़ी मज़े वाली स्मेल भी आ रही होती है और उसकी अपनी ही फीलिंग है या फिर हूँ असी वड्डे हो गए हैं वो वाला मज़ा ही नहीं रहा। इन्हों दोनों गलों जो कोई एक ना गल है। तो है जी हमने अपनी हंडिया में पानी डाल दिया हुआ था और बच्चे यहाँ पर चने खा रहे थे और साथ साथ मैं बना रही थी चावल जो कि मैंने अंदर रख लिए हुए थे और पकने पे तकरीबन पक चुके थे दम देने वाला था और मैंने इसको लगाया दम पे और मैं हंडिया भी अपनी रेडी थी धनिया वगैरह मैंने ला के अंदर ही डाला क्योंकि बाहर हवा थोड़ी तेज़ हो चुकी थी और आग बिल्कुल सेक नहीं लग रहा था हंडिया को तो इसलिए मैंने उसको अंदर ले आई और जितना भी मैंने गरम मसाला वगैरह और नमक मिर्च अगर कम थी है मिर्चें तो नहीं नमक अगर कम था तो वो डाला और हरा धनिया डाल के तो मैंने यहाँ पर ऊपर रख दिया। और हम और जी हमारा तकरीबन काम जो था वो ख़त्म हो चुका था और मैं बाहर जाके मैंने कहा थोड़ी देर और मज़ीद मौसम को एंजॉय कर लिया जाए और बाहर जाके देखा माशाल्लाह बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे बच्चे खेल रहे थे। और बाकी जी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जी अगर आप व्लॉग देखते हैं तो कमेंट करके बता भी दिया करें कि आपको किस तरह के हमारे व्लॉग लगते हैं। और बाकी जी दुआओं में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा जी अल्लाह हाफिज़।